नमस्ते दोस्तों। दोस्तों काफ़ी समय से लोग मेरे YouTube पे कमेंट सेक्शन में कमेंट डालते रहते हैं मेरे चैनल पे कि सर नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, बेसिकली नी रिप्लेसमेंट में क्या क्या सामान अंदर लगता है वो हमें समझाइए, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ सके कि क्या पूरा घुटना काट के लगा दिया जाता है या कितना बड़ा चीरा लगता है और अंदर सामान कैसे यूज़ होता है और कैसे पता चले कि क्वालिटी सामान यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं और किस प्रकार का सामान उसमें यूज़ होता है और कैसे हम पेशेंट्स को ये यकीन दिला पाते हैं कि जो सामान है वो हाई क्वालिटी का है। तो देखिए, हमारा घुटना है वो दो भागों से मिलके बना है। जो ऊपर की बोन है इसको फीमर कहते हैं और नीचे की बोन टिबिया होती है, और इनके ऊपर ये जो चिकनाई है इसको कार्टिलेज कहते हैं। जब घुटना ख़राब हो जाता है तो हड्डी से हड्डी टच करने लग जाती है और उस वक्त नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक ज़माने में दोस्तों नी रिप्लेसमेंट से लोगों को काफ़ी डर लगता था कि पता नहीं इतनी बड़ी सर्जरी होगी तो मैं कितने दिन का बेड रेस्ट करूँगा, क्या करूँगा। लेकिन अब जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें आप अगले दिन से चल फिर सकते हो, कोई बेड रेस्ट नहीं होता और घुटना चलता भी काफ़ी सालों तक है। जब आप नी रिप्लेसमेंट करते हो तो मेरे पास एक ओरिजिनल मॉडल है, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ऊपर की बोन जो होती है उस पर हमने कवर लगाया है, बीच में जो है ये कार्टिलेज का कवर है और नीचे की साइड में टिबिया पे कवर है। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी जो असेंबली है वो आपको नी रिप्लेसमेंट में काम आती है। कल मैंने एक नी रिप्लेसमेंट किया था, उसके सामान मेरे पास है जिससे आप समझ सकते हो कि क्या क्या सामान इसके अंदर यूज़ होंगे। तो देखिए दोस्तों, जो फीमर, ये सबसे ऊपर हम बात करते हैं फीमर की, तो फीमर के बॉक्स को एक बार आप जूम करके दिखा सकते हैं। तो ये फीमर का जो बॉक्स है इसमें आप देखेंगे कि जो हमने जो यूज़ किया है वो हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं PFC सिग्मा जॉइंट, जो सबसे अच्छा जॉइंट है जॉनसन एंड जॉनसन का और काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। और PFC सिग्मा में हमने 3 नंबर का जो सिग्मा है वो यूज़ किया है, तो 3 नंबर का फीमोरल कॉम्पोनेंट है, यानी कि ये जो हिस्सा है वो 3 नंबर की साइज़ का यूज़ किया गया है। पेशेंट को ये ओरिजिनल बॉक्स दिए जाते हैं जिससे कि उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि ओरिजिनल जॉनसन एंड जॉनसन का सामान यूज़ किया गया है। फिर हम टिबिया की साइड मूव करते हैं, इसको जूम करके एक बार आप दिखाइए। तो टिबिया ट्रे जो आप देखेंगे फिक्स बियरिंग ट्रे है, मॉड्यूलर टाइटेनियम की बनी हुई होती है। तो उसका यही फ़ायदा होता है दोस्तों, टाइटेनियम जो है सबसे एडवांस धातु है और बॉडी के साथ कंपैटिबल है। बाय चांस कभी आपको MRI करानी पड़ती है तो टाइटेनियम कंपैटिबिलिटी रहती है। और टिबिया ट्रे आपकी लग गई और ऊपर फीमर लग गया, और बीच के अंदर जो लगता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो होता है वो होता है हाई मोलिकुलर वेट इंसर्ट या टिबियल इंसर्ट फिक्स बियरिंग स्टेबिलाइज पॉली। ये भी 3 नंबर 10 mm की साइज़ का मोटा पॉली यूज़ किया गया है। तो दोस्तों जो बड़ी कंपनियां होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पॉली ही होता है, क्योंकि ये घिसने के चांसेस होते हैं, ये वॉशर की जैसे होता है। तो ये हमने अच्छी कंपनी का यूज़ किया है जिससे कि आसानी से ये घिसेगा नहीं। और सीमेंट जो यूज़ की जाती है, डेप्यू सिंथेसिस की सीमेंट होती है, एंटीबायोटिक लोडेड सीमेंट जो होती है वो हम यूज़ करते हैं। तो CMW1 सीमेंट यूज़ की गई है, इसमें एंटीबायोटिक मिक्स किया जाता है ताकि इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये टोटल कंपोनेंट है जो कि नी रिप्लेसमेंट में यूज़ किए जाते हैं। ऑपरेशन के अगले दिन से ही पेशेंट चलना स्टार्ट कर देता है और ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से मूवमेंट नी जॉइंट के उसके होने लग जाते हैं। तो जो बोन से बोन रगड़ खा रही थी उसके ऊपर एक कवरिंग आ गई है और इसलिए उसका पेन ख़त्म हो जाता है और वो आराम से चलना फिरना स्टार्ट कर देता है। अगर आपके घर में भी किसी को नी पेन है और उसको नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मेरे को उसकी रिपोर्ट भेजिए और हम आपकी पूरी गाइडेंस देंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, ये बताएंगे कि कौन सा इम्प्लांट अच्छा है और कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट रहेगी। नमस्ते दोस्तों।